गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है डे 43 आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांटेड एरिया की आप कंडीशन देख सकते हैं। डेंसिटी जो है पहले से काफी कम है। इमेजेस मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। डेंसिटी कम है डेफिनेटली बिकॉज ऑफ श्रेडिंग। इसके अलावा जो नॉर्मल रूटीन है वो मेरा कंटिन्यू चल रहा है। अभी मैं मल्टीविटामिन ले रहा हूँ, फिनेस्ट्राइड 1 mg मुझे 1 month और लेने के लिए बोला है। मीन्स 2 month टोटल मेरे को फिनेस्ट्राइड 1 mg लेना है। उसके अलावा मिनोक्सिडिल मेरे को कंटिन्यू सुबह और रात को सोने से पहले अप्लाई करना है 1 ml, जो मैंने आपको तरीका बता रखा है मेरे वीडियोज़ के अंदर किस तरह से मिनोक्सिडिल को अप्लाई करना है। और बाकी जो ऑयलिंग है, दिन में किसी एक टाइम पर ऑयलिंग भी कर सकते हैं सो दैट कि स्कैल्प जो है वो ड्राई ना हो, बिकॉज ड्राई होने के कारण फ्लैक्स बन जाते हैं और फिर वो डैंड्रफ जैसा लगता है, जबकि वो मिनोक्सिडिल के कारण होता है, उसका जो रेजिड्यूल होता है उसके कारण होता है। तो डेफिनेटली इसी तरह से मैं आप लोगों को अपडेट्स देता रहूँगा। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।